खाते पीते खुशहाल घराने से तल्लक रखते हैं। आपके वालिद साहब भी सरकारी नौकरी में थे। आपका वजारत की तनख्वाह पे गुजारा हो जाता? इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी जो अभी तनख्वाह है वो तो फैमिली इस्लामाबाद में होती है, शायद उनका हाउस रेंट भी कवर नहीं करती। सियासत आप तनख्वाह के लिए नहीं करते। माशाल्लाह मेरा जो पिछला करियर था उसमें इतनी सक्सेस हुई थी कि कुछ साल जो है वो अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से जो है वो चलाएं। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर साफ सियासत करनी है तो फिर बंदे को जो है ये फाइनेंशियल प्रेशर से क्लियर होना चाहिए। वजारत की तनख्वाह कितनी है और आपका ख़र्चा कितना है? वजारत की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख, कुछ इसमें एक आध चीज़ जो है वो ज़्यादा हाउस रेंट वगैरह के साथ। इत्तेफाकन इससे मैं ज़्यादा पिछली नौकरी में एक दिन में कमा लेता था, लेकिन अच्छा पिछली नौकरी में 2 लाख डेली कमाते थे। ये बाहर तनख्वाहें और तरह की होती है, जब आप पार्टनर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है वो, तो वही जो सेविंग की थी फ़िलहाल तो उसी को जो है वो चला रहे हैं। और ऑब्वियसली जो है वो ख़र्चा इससे ज़्यादा है, सही कैलकुलेट जो है वो नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़िलहाल जो एसेट बेस है वो कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। पैराप्लेजिक सेंटर हयातबाद पहुंचे, माजूर बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। लान में मौजूद मरीजों की आदत की। नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। यहाँ रीढ़ की हड्डी की इंजरीज में मुब्तला मरीजों की बहाली के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। इस सेंटर में बायोमैकेनिक लैब, फिजियो जिम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ ज़ेरे इलाज अफराद की स्किल्स बिल्डिंग भी की जाती है। ज़ेरे इलाज मरीज की सालगिरह का केक काटा। Thank you.